हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भारतीया। लेट अस वी टॉक अबाउट मे 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SI, SSC, रेलवे, CGL, SSCGL, CHSL, RRB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो गाइज, लेट अस वी टॉक अबाउट 8th of May 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे 8 मई 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में। बट बिफोर दिस, लेट अस वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस रिलेटेड टू द 8th of May 2021। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया होल्ड फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग। द फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरन मिनिस्ट्रियल डायलॉग was held in London, UK on the sidelines of the G7 foreign ministers meeting. The meeting was attended by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar from India, France Minister for Europe and Foreign Minister Mr. Jean-Yves Le Drian and Australia's Minister for Foreign Affairs Senator Maryse Payne. France, Bharat aur Australia ne kiya hai पहला त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन। G7 विशेष मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन, UK में पहली बार भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मारिस पायने ने भाग लिया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ये सभा जो है लंदन, UK में हुई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज मेगन मार्कले सेट टू रिलीज चिल्ड्रंस बुक द बेंच। मेगन मार्कले विल बी रिलीजिंग हर न्यू बुक टाइटल द बेंच ऑन 8th of June, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय अ पोएम शी रॉट to her husband, Prince Harry, on his first Father's Day as a dad to son Archie. The book was watercolor illustrations by Christian Robinson, began as a poem that Markle says she wrote for Harry on the first Father's Day after Archie was born. Meghan Markle बच्चों की पुस्तक The Bench का विमोचन करेंगी। Meghan Markle 8 जून को The Bench नामक अपनी नई पुस्तक जारी करेंगी, जो एक कविता से प्रेरित थी जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर इलस्ट्रेशन वाली पुस्तक एक कविता के रूप में शुरू हुई, जिसे माकर कहती है कि उन्होंने आर्ची के जन्म के बाद पहले फादर्स डे पर हैरी के लिए लिखी थी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, द बेंच बुक जो है मेगन मार्कल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज DMK प्रमुख स्टालिन बने हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने द्रविड मुनेत्र कड़गम और DMK के प्रमुख MK स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। 68 वर्ष के स्टालिन 5 बार के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिव्यंगत एम करुणानिधि के पुत्र हैं। DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 159 सीटों पर जीत हासिल की, जो 118 सीटों की बहुमत से आगे है। अकेले पार्टी के चुनाव में 133 सीटें जीती है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड फुल फॉर्म ऑफ DMK इज द्रविड मुनेत्र कड़गम। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज गीता मित्तल टू बी अवार्डेड एयरलाइन पैकेट ग्लोबल विजन अवार्ड। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ JNK जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टू रेसिपियंट्स ऑफ द एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। द अवार्ड वॉज बी प्रेजेंटेड एट IAWJ's बाइनियल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द वर्चुअल ओपनिंग सेरेमनी on 7th of May 2021. She shares the honor with Magertia Luna Ramos from Mexico. हमें पता होना चाहिए कि गीता मित्तल को अवॉइन
पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के अलायन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में घोषित किया गया है। यह पुरस्कार 7 मई 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान IAWJ के द्विवार्षिक और बायनियल सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। वह मेक्सिको की मार्गरीटा लूना रोमेस के साथ सम्मान साझा करेंगी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रॉयल्स रॉयल और HAL ने समझौता किया है। रॉयल्स रॉयल्स एंड HAL सिंह MOU फॉर सपोर्टिंग MT-30 मरीन इंजन बिजनेस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और HAL एंड रॉयल्स रॉयल्स हैव साइंड एन MOU टू इस्टेब्लिश पैकेजिंग इंस्टॉलेशन मार्केटिंग एंड सर्विस सपोर्ट फॉर रॉयल्स रॉयल्स MT-30 मैराइन इंजन्स इन इंडिया। दिस पार्टनरशिप विल लेवरेज द रिच एक्सपीरियंस ऑफ HAL's INGT डिवीजन दैट वर्क्स ऑन मैराइन गैस टर्बाइन्स विथ इंडियन शिपयार्ड्स। हमें पता होना चाहिए कि MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रॉयल्स रॉयल्स और HAL ने किया है समझौता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रॉयल्स रॉयल्स ने भारत में रॉयल्स रॉयल्स MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से रॉयल्स रॉयल्स और HAL भारत में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। यह साझेदारी HAL के INGT प्रभाग के समृद्ध अनुभव का लाभ उठाएगी जो भारतीय शिपयार्ड के साथ समुद्री गैस टर्बाइनों पर काम करता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो गाइज, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट 8th of May 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड द माउंटेन स्ट्रीम स्कीम? सो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश इज शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? विथ विच कंट्री चाइना सस्पेंड्स इट्स इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स? सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, किस राज्य में सांप की नई प्रजाति जाइलोफिस दीपकी की खोज की गई है? इन विच स्टेट न्यू स्पीशी ऑफ स्नेक जाइलोफिस दीपकी वॉज डिस्कवर्ड? सो आंसर इज तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर इज, किस राज्य के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया है? सो गवर्नर ऑफ विच स्टेट मनोज सिन्हा यूज आर्टिकल 311 फॉर द फर्स्ट टाइम? सो आंसर इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और गवर्नर है JNK के मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने पहली बार 311वीं अनुच्छेद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा विकसित किया है? विच साइंटिस्ट डेवलप द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम? सो आंसर इज Uranium-214। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, विश्व स्वास्थ्य संगठन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यू किस कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? सो आंसर इज मोडेना। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। मॉडर्ना जो नई कोरोना वैक्सीन है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और WHO ने उसकी आपातकालीन और इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी दे दी है, मॉडर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन इज, लॉन्च्ड पुस्तक अनदर डजन स्टोरी के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक अनदर डजन स्टोरीज? सो आंसर इज वेरी फेमस पोएट सत्यजीत रे। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट इज, किस शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? इन विच सिटी द एशियन लायन वॉज फाउंड कोरोना पॉजिटिव इन नेहरू जूलॉजिकल पार्क? सो आंसर इज हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अरुणाचल की राजधानी हैदराबाद में जो जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, इसमें एक एशियाई शहर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, IBM ने प्रोमेयर वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित दुनिया का पहला AI जहाज कौन सा विकसित किया है? IBM developed the world's first AI ship built by Promare scientists. So answer is Mayflower 400. Important है, हमें याद रखना है. AI जहाज जो Promare वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है, उसका नाम है Mayflower 400. Next question, question number 10th is, 7 मई को सीमा सड़क संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? Which foundation day was celebrated by the Border Roads Organization or BRO on 7th of May? So answer is 61. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 11 is, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? When World Athletics Day was celebrated? So answer is 5th of May. Next question, question number 12 is, Serum Institute ने UK में वैक्सीन कारोबार के लिए कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? Serum Institute announced how much million to invest for the vaccines business in the UK. So answer is $240 million, $240 million निवेश करने की घोषणा की है. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 13 is, किस देश के प्रधानमंत्री KP ओली में बहुमत का समर्थन खोया है? Which country's Prime Minister KP ओली lost majority support? So answer is Nepal. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज, किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? विच जज वॉज गिवन द अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर द ईयर 2021? सो आंसर इज गीता मित्तल. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. जम्मू एंड कश्मीर की न्यायाधीश गीता मित्तल जी को 2021 का अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? विच प्लेयर टॉप द ICC टेस्ट रैंकिंग्स? सो आंसर इज केन विलियमसन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज, किस राज्य ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट्स? सो आंसर इज हरियाणा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हरियाणा इज चंडीगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज, किस देश में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है? इन विच कंट्री सक्सीड इन मेकिंग अ सिंगल डोज वैक्सीन ऑफ कोरोना? सो आंसर इज रशिया और रूस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज, किस राज्य में 10 से 22 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? सो विच स्टेट अनाउंस द इम्पोजिशन ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन फ्रॉम 10th to 24th ऑफ मई? सो आंसर इज राजस्थान. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट राजस्थान इज जयपुर, द पिंक सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज, भारतीय सशक्त बल ने COVID-19 से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इंडियन स्ट्रॉन्ग फोर्स और इंडियन आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड विच कॉपरेशन टू डील विथ COVID-19? सो आंसर इज कोजीट. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज, किस देश में बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? इन विच कंट्री द फाइजर वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन? सो आंसर इज कनाडा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज, जेफ बेजोस ने अमेजन के कितने बिलियन डॉलर के शेयर बेच दिए हैं? जेफ बेजोस सोल्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर शेयर्स ऑफ अमेजन? सो आंसर इज $2.5 बिलियन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. $2.5 बिलियन के शेयर जो है जेफ बेजोस ने अमेजन के बेच दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज, किस बैंक ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार किया है? विच बैंक एक्सपांडेड द डिजिटल पेमेंट सिस्टम बाय नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? सो आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज, रॉल्स रॉयस ने MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के साथ किसके लिए समझौता किया है? सो Whom did Rolls Royce sign for MT-30 marine engines business? So answer is HAL. Important है, हमें याद रखना है कि Rolls Royce ने MT-30 marine engine business के लिए HAL के साथ समझौता किया है. HAL का full form भी हमें याद रखना है, हिंदुस्तान Aeronautical Limited. Next question, question number 24 is, अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? अभिलाषा पाटिल हैज डाइड, व्हाट वाज शी वाज फेमस? सो शी वाज फेमस एक्ट्रेस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी अभिलाषा पाटिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज, लॉन्च्ड पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है?
हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक द बेंच. सो आंसर इज मेगन मार्केल. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मेगन मार्केल इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक द बेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज सुखजिंदर शेरा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे. सो सुखजिंदर शेरा वॉज पास अवे. वट वॉज ही वॉज फेमस. सो ही वॉज फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज मिस्र देशों ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं. इजिप्ट कंट्री ब्रॉट हाउ मेनी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस. सो आंसर इज 30. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं इजिप्ट ने फ्रांस से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआर स्टील लिमिटेड को किस जिले में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए भागीदार चुना है. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सिलेक्टेड एसआर स्टील लिमिटेड एज पार्टनर टू सेट अप अ स्टील प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट. सो आंसर इज कड़प्पा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज मातंग सिंह का 58 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे. मातंग सिंह डाइड एट द एज ऑफ 58. व्हाट वाज ही वाज फेमस. सो ही वाज फेमस मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज फिच सॉल्यूशन ने वर्ष 2022 में किस देश की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. सो फिच सॉल्यूशन एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ विच कंट्री इन द ईयर 2022. सो आंसर इज ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है भारत की जीडीपी 9.5% जो है अनुमानित की गई है फिच सॉल्यूशन द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किन देशों के बीच आयोजित कराई गई है. सो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज. सो आंसर इज इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है हेल्ड की गई और यह लंदन UK में की गई है. और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जैसा कि हमें पता है डॉक्टर एस जयशंकर हैं, और फ्रांस के हमें पता होना चाहिए मिस्टर जीन यस डी ड्रायन हैं, और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर मराइस पैने हैं. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. सो गाइज, आई होप आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं. सो आप इन्हें लिखिएगा, पढ़िएगा, याद करिएगा और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स. आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए. और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज़ अवर पावर. फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स. थैंक यू.